किया है। अब हम गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाड़ी तो स्टार्ट आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ये टोटल खींचा हमने, ये देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है इसमें। हेलो फ्रेंड, तो आज हमारे पास है एचएफ डिलक्स, और एक एचएफ डिलक्स नहीं है, दो दो एचएफ डिलक्स खड़ी हुई है। एक ये वाली खड़ी हुई है, ये देखिए, और इसमें जो है ये पूरी ओपन कर दी है हम लोगों ने। और ये वाली एचएफ डिलक्स खड़ी हुई है, इसमें जो हमने क्या क्या किया है कि इसमें जो गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही थी, मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसकी जो टोटल बॉडी होती है, ये टोटल बॉडी इसकी जो है निकाल करके इसमें हम लोग ने रिप्लेसमेंट की थी। इसमें रिप्लेसमेंट किया था, लेकिन जो मिसिंग की प्रॉब्लम थी वो सही नहीं हुई है। इसका इंजेक्टर भी हम लोग ने इससे मिला के चेंज कर लिया, और इसके टोटल बॉडी भी चेंज कर लिया, सब कुछ चेंज कर लिया, लेकिन जो मिसिंग की प्रॉब्लम थी नहीं सही हो रही थी। मिसिंग प्रॉब्लम क्या थी ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो सेल्फ लेते हैं, तो ये सेल्फ लिया, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और जो हम लोग ने इस तरीके से हल्का टोटल लिया, हल्का सा टोटल लेने पे गाड़ी जो हो जा रही थी बंद, ठीक फ्रेंड, और इसको हम लोग बंद कर देते हैं। हल्का सा टोटल लेने पे गाड़ी हो रही थी बंद। तो फ्रेंड इसमें हम लोग ने हर एक चीज, ये हर एक सेंसर इस गाड़ी का, दूसरी वाली ये वाली गाड़ी का जो है निकाल के इसमें चेक कर लिया, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है। तो फ्रेंड प्रॉब्लम कहाँ पे थी, कहाँ से सॉर्ट आउट हुई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ उधर जा करके। तो फ्रेंड ये देखिए सामने भी है और ये भी खड़ी हुई है, वो वाली सेल्फ विदाउट सेल्फ है और ये सेल्फ वाली है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर वाली हो या विदाउट सेल्फ वाली हो, सबका जो है टोटल एक ही होता है, इंजेक्टर एक ही होता है, इंजेक्टर भी एक ही होता है, और जितने भी सेंसर लगे हो सब एक ही होते, बस फर्क इतना होता है कि सेल्फ का, क्योंकि इसमें जो हम लोग ने हर एक चीज पार्ट निकाल के चेक किया उस गाड़ी का, और इसमें हम लोग ने फिट किया और सबका चेक किया कि कोई दिक्कत नहीं दे, यहाँ तक कि फिल्टर भी ओपन करके फिल्टर क्लीन करके देख लिया, चेंज भी करके देख लिया, स्पार्क प्लग हमने खोला, स्पार्क प्लग भी चेंज करके देख लिया, जो प्रॉब्लम थी वो अभी सही नहीं हुई, ठीक फ्रेंड। लेकिन सही कहाँ हुई है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो सही हुई है इसकी जो टंकी जो है, ये देखिए ये टंकी रखी हुई है, ये टंकी जो है उस गाड़ी की है। तो वो गाड़ी हम लोग ने मंगवाई थी चेकिंग के लिए, और ये देखिए ये टंकी रही, ये है इस गाड़ी की टंकी है। तो इसमें टंकी में प्रॉब्लम नहीं है, इसकी जो फ्यूल पंप मोटर होती है वो वीक कर गई थी, और इसमें हम लोगों ने जो पेट्रोल फिल्टर होता वो भी चेंज करके देख लिया था, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो जैसे कि तैसे थी, क्योंकि पेट्रोल फिल्टर जो है काफी चोक होने की वजह से मोटर जो है वीक हो गई है, वीक होने की वजह से जो है गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई है। फ्रेंड इसमें जो हमने टंकी फिट कर लिया, ये देखिए टंकी का निशान आपको दिखाया, और उसमें वो टंकी फिट हो रही है अभी भी, तो वो टंकी फिट हो गई है। पहले आपको ये स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि इसकी जो प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम नहीं थी फिलहाल, उसमें प्रॉब्लम थी, और इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए इसमें देखिए इस तरीके से हल्का एक्सीलेटर ले रहे हैं, गाड़ी प्रॉपर है, ठीक है फ्रेंड। और अब हम उसको दिखाते हैं। तो फ्रेंड इसको हमने सब फिट कर दिया है, अब हम गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाड़ी तो स्टार्ट आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ये टोटल खींचा हमने, ये देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है फ्रेंड। तो कंफर्म हो गया कि इसमें जो है टंकी का जो मोटर है वो गड़बड़ कर रही है, तो हम लोग इसकी जो है टंकी मोटर चेंज करेंगे, ठीक है फ्रेंड। और वो वाली गाड़ी बिल्कुल अप टू डेट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क इतना था कि ये सेल्फ वाली है, वो बिना सेल्फ वाली थी, इस वजह से हम लोगों ने उसका पार्ट जो है कुछ कुछ चेंज करके देखा, लेकिन लगभग सारे सेंसर जो है पड़ जाते उसमें, ठीक है फ्रेंड। तो आशा करते वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।